अगली खबर है बिजली विभाग से जुड़ी हुई, जहां प्रदेश से कड़े निर्देश के बाद जिले में बिजली विभाग के बकाया वसूली के लिए सख्त कदम उठा रहे हैं। लगातार नोटिस देने के बाद भी पैसा जमा नहीं करने वालों के खिलाफ जिले में ताबड़तोड़ कार्यवाही की जा रही है। एमपीईबी के ग्रामीण अभियंता अवनीश कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने 6-6 माह से पैसा जमा नहीं करने वालों की लिस्ट बनाकर बड़ी कार्यवाही शुरू कर दी है, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। भोपाल से विभाग द्वारा 36 करोड़ का बकाया सिर्फ ग्रामीण एरिया में होने से अधिकारियों को फटकार लगाई जा रही है और वसूली में कमी होने पर अधिकारियों से जवाब तलब किया जा रहा है। भोपाल के आला अफसरों के कड़े रुख को भांपते हुए ग्रामीण इलाके के राजमिलन, सितुल, खुर्द, जरहा, नगवा सहित कई गाँव में किसानों के दर्जन भर से अधिक मोटर पंप के साथ आटा चक्की को भी कुर्क कर लिया गया है। साथ ही कई घरों की बिजली भी काट दी गई है। इसी तरह शहर अभियंता अजीत सिंह बघेल के नेतृत्व में शहर के भी सैकड़ों घरों, दुकानों की बिजली टीम द्वारा काट दी गई है। बार बार समझाइश और नोटिस के बाद भी लोग पैसा जमा नहीं कर रहे हैं। ग्रामीण संभाग में लगभग 36 करोड़ रुपए का बिजली का बिल बकाया है। ये स्थिति तब बनी है जब अक्टूबर 2020 में एक बार घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली के बिल माफ़ हो गए थे, तो कहीं ना कहीं लोगों में बिजली का बिल न जमा करने की आदत विकसित होती जा रही है। इसी तारतम्य में हम इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों से, सामान्य उपभोक्ताओं से अपेक्षा भी करते हैं कि ऐसे बिजली के बिल को जरूर जमा कराएँ, घरेलू के और बिजली के बिल और पंप के बिजली के बिलों को जरूर जमा कराएं, अन्यथा की स्थिति में इस प्रकार की कठोर कार्रवाई हम करना पड़ेगा, जिसमें कहीं ना कहीं हमको कुर्की और इस प्रकार की कार्रवाई के स्तर तक जाना पड़ता है। अभी जो खबर आपके पास आई है कि कई मोटर पंपों की कुर्की हुई, आटा चक्की की हुई और कई जगहों पर अभी कार्रवाई ताबड़तोड़ जारी है, तो क्या अभी और कुछ ऐसे किसान होंगे? हमने ऐसी सूची बनाई है जिसमें 10,000 से ऊपर के बिजली के बिल बकायेदार उपभोक्ता जिन्होंने विगत 6 माह से ऊपर बिजली का बिल नहीं जमा किया है, ऐसे उपभोक्ताओं की सूची बना करके और उन पर कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। उसी कड़ी में जो है ये हमने इसके पहले ए और बी फॉर्म की नोटिस जारी करके कुर्की की कार्रवाई कर रहे हैं और जिन लोगों ने बिजली का बिल नहीं जमा किया निश्चित उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर।